अच्छा अच्छा बढ़िया, नहीं बढ़िया तुम्हारा, तुम्हारा बहुत बढ़िया है। क्योंकि तुम्हारा बढ़िया नहीं होता तो डेली एक कमेंट क्यों करते तुम हैं कि भाई माइक मुंह के पास क्यों रखता है। अबे मुंह में लेना थोड़ी होता है मुझे, मुंह के पास इसलिए रखता हूँ कि आवाज़ क्लियर आए। पता नहीं क्या है, इसकी हाइट कम हो गई जब से मैंने स्टैंड चेंज किया है। सबकी हाइट बढ़ती है, इसकी हाइट भी गिर गई, मेरे व्यूज़ भी गिर गए, साले दोनों की किस्मत ख़राब है। हाँ तो इससे पहले हम आज में बोले कि आज के लिए भी कोई टॉपिक नहीं है, तो एक शायरी बोलना चाहूँगा, इरशाद दे दीजिएगा। ये तो यार मेरा वैसे भी मूड नहीं कर रहा है, अर्ज कुछ टॉपिक ही नहीं है सच में। तो अर्ज किया है, इस दौर में इंसानों में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर में इंसानों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, शहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मेरे को जहर ही पीना है, आज की जो वीडियो है उसे देखने के लिए जहर पीना पड़ेगा यार। इंसानों में तो जानवरों में वफा ढूंढने को बंदा क्या करे, जीना छोड़ दे हैं, वो हिलाता रहे कल वाले बंदे की तरह, गंदी चीजों को हाथ ना लगाना। हाँ तो बस तीन मेरे टॉपिक हैं। पहला है हनी सिंह की नई गर्लफ्रेंड, ये पता नहीं कहाँ से आया, एक्चुअली तीनों ही पता नहीं कहाँ से आया, बट साला किसी ने आर्टिकल छाप दिया कि हनी सिंह की नई बंदी है। कौन? नुसरत भल्लोचा, जो भी है वो, अरे प्यार का पंचनामा में जो विलन बनती है हमेशा वो। और वो इस पर रिएक्ट भी कर रही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा एक मिनट, पहली चीज ये अफवाह उड़ाई किसने, क्योंकि मेरे को तो नहीं सुनने में आई थी, कौन फैला रहा है ये बातें। और बातें फैली हैं तो उस औरत तक कैसे पहुंची, और पहुंच गई तो तुझे कैसे पता, तो उसके पास पहुंच गए तू बयान लेने के लिए, और वो भी मजे ले रही है। अबे लास्ट टाइम से पढ़ा था मैंने, मेरे को पता चला था शादीशुदा ही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत समय पहले विकिपीडिया में पढ़ा था ये शादीशुदा है, एक बंदे के साथ, नंबर भी लिखा रहता ना एक। अभी जाके चेक करो ना, कुछ नहीं लिखा, पर्सनल लाइफ में भी नहीं लिखता, लिखा हुआ वो अपना नाम ऐसे स्पेल करती है। मैं कहा हनी सिंह को डेट कर रही है, ये भी ऐड करो ना विकिपीडिया पे, फिर आर्टिकल छाप दिया तुमने। और हनी सिंह कितनी बंदियां पटाएगा भाई, हमें एक भी नहीं मिल रही, ये बंदी में बंदी चक्को चक्को करे जा रहे हैं। अबे लाइन ली थी तो सीरियसली बोल लेता इतना, रुक जाओ यार। रफ्तार की बंदी बनी पड़ी है, बादशाह की बंदी बनी पड़ी है, हनी सिंह एक और ढूंढ रहा है, अभी ब्रेकअप हुआ बेचारे का, बंदी बना दो तुम उसकी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है कृष्णा वर्सेस एमसी स्टैन। ये टॉपिक भी नहीं है, जैसा पहले वाला टॉपिक नहीं था वैसे ये भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से क्यों कौन से ये हूतिया फैन होते हैं इन दोनों के, दोनों शुरू हो गए कि कृष्णा बेटर है, एमसी स्टैन कौन, एमसी स्टैन के फैन शुरू हो गए, बस्ती का हस्ती ब्रो, कृष्णा कौन। मैं कब, तुम कौन हो, दिल से अरशद द्वार से निकला है मेरे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कोई सूत्र नहीं है इसका, कोई सोर्स नहीं है, ना चिंगारी है ना आग है, बस हूतिया फैन है तो लगे पड़े कृष्णा बेस्ट है, कर स्टैन बेस्ट है, मैं बेस्ट हूँ, खत्म बात। तुम लाइक करो वीडियो, मैं बेस्ट हूँ, खत्म बात, कोई डिबेट नीचे मुझे इस पे, लड़ते रहेंगे कमेंट में, कुछ भी कुछ भी। हाँ और तीसरा बेतुका टॉपिक कि पठान का जो एक्शन सीन है ना, अरे जिसमें वो आता है सर सलमान खान, सल्लू भाई, सलमान भाई, वो पूरा सीन कॉपी है। पहले कोई कह रहा था कि अनचार्टेड गेम से कॉपी है, अब साले कह रहे हैं वो जैकी चैन का कार्टून आता था 90s के टाइम में, मतलब 20s के बच्चे जानते होंगे, मुझे बड़ा पसंद था भाई, मैं पूरा देखता था, जैकी चैन पसंद था, मेरा फेवरेट था उस टाइम, ऑफ टॉपिक, तो उस सीरीज से उठाया हुआ है। पहले अनचार्टेड देख लो, अब जैकी चैन वाला, जैकी चैन वाला तो बहुत लंबा है तो मैं पूरा नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन पूरा डिट्टो। अबे कैमरा एंगल तक सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट है। मैं कहा तुम्हें उम्मीद क्या थी,
फिल्म का कौन प्रोड्यूसर कौन प्रोड्यूसर है, कंपनी कौन है? यशराज। और यशराज क्या है कमेंट में बताओ, मैं नहीं बता रहा, सरप्राइज मदर फिगर, मैं नहीं बताऊंगा। अब इसके अलावा क्या आईपीएल, आईपीएल में भाई कल जीता हुआ मैच हार गई हैदराबाद और सारे लोग उसकी ओनर है काव्य करके कोई, उसी की फोटो चलाए जा रहे हैं। द मोमेंट यू रियलाइज क्रिकेट टीम से अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती काव्य का रिएक्शन जब वो हैरी ब्रुक को दो बार जीरो पे आउट होते हुए देखती है, इस लल्लू पे तो बिना मतलब भी पैसे वेस्ट किए हैं। आईपीएल कैमरामैन काव्य को देख के ये दुख काहे खत्म नहीं होता, ए अबे 30 बॉल पे 38 रन नहीं मारा पाए यार ये लोग, 30 बॉल पे 38 रन क्या ही कर लेंगे भाई। केन विलियमसन था ना इसका, वो गया इनकी किस्मत लेके चला गया, वो कहता भाई टांग गई मैं तुम्हारी किस्मत खा लूंगा, खा गया। और आज का तो मैच मैं देख भी नहीं रहा, मैं बस एक बार जाता हूँ स्कोर देख लेता हूँ। मैं क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अबे इतना गंदा मैं खेल रहा होता ना गली क्रिकेट में, मैं बैट लेके जा चुका होता, मैं नहीं खेल रहा। बात तो सही है। वहाँ पे विराट कोहली का ये वो दिखता है, चाइल्डहुड मेमोरी दिखा रहे थे। अरे आरसीबी का इनसाइडर आता है ना उसमें आ रहा था, तो उसमें उसकी दोस्त की माँ बता रही थी कि विराट कोहली बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था और बचपन से हुआ हिस्ट्री की मैं एक्ट्रेस से शादी करूंगा। मैंने बचपन में ख्वाहिशें क्यों नहीं रखी, हजार ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या था, हजार निकले अरमा मेरे पर फिर भी कम निकले, जो भी था अच्छा था, ये अच्छा वाला है मेरे को याद रहता है यार ये। हाँ घंटा याद है भाई, इतना टूटा फूटा तो सुनाया मैंने। एक बार की बात है मदनलाल एकेडमी में मैच हो रहा था, तो वहाँ पे ना इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था कोई फिल्म की या कुछ ऐसे ऐड वगैरह की, तो उसको देख के कहता देखना एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा और मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा। ये लो ऑल आउट 118 पे 20 ओवर नहीं खेला गया हैदराबाद राजस्थान से यार, साला मैं सोच रहा था इस बार जीत जाएगी राजस्थान, शुरुआत इतनी सही एंड गिरा रहे बैन ना रहे सब। मैंने गाली दी अभी काट दूंगा अगर दी होगी तो। बाकी वही है फ्लाइंग बीस्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसने अभी 1000 किलोमीटर कर लिए, 1400 किलोमीटर और चलना है। सारे कह रहे क्यों ही कर रहे नौटंकी, हमें तो मालिक भी नौटंकी कर रहे हो। और फिर एक तो फुटेज शेयर करने लग गया, देखो ये बहुत अच्छी साइकिल है, अरे वो जो ट्रक में जा रहा था ना उसकी फुटेज लगा रखी थी। मैंने कहा क्या ही कर लो, वो तो कर ही रहा है ना, जो करना वो कर ही रहा है, करने दो या तो देखो या इग्नोर कर दो। इसके अलावा क्या, हाँ सुशांत सिंह की मूवी थी ना एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी, तो वो अभी री-रिलीज कर रहे हैं, तो पहले तो इमोशन और फिर MSD का फेम दोनों पे रीयूटिलाइज करके फिर से पैसा छापने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस पर काफ़ी लोग ऑफेंड होगा कि देखो देखो तुम इमोशन के साथ खेल रहे हो हैं और उसकी पॉपुलैरिटी पे पैसा छापोगे, ये गलत बात है, ये तो धोखेबाजी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं देखूंगा। मैं कहा हॉटस्टार पे पड़ी हुई है ना, देख ले, हॉटस्टार पे नहीं देखना यूट्यूब पे अवेलेबल है उस पे देख ले। क्यों रोना ही है, बस हर जगह पे रोना शुरू कर देते हैं लोग, मैं भी तो रो ही रहा हूँ। और खत्म करने से पहले एक और शायरी दे रहा हूँ, इरशाद दीजिएगा, 2 इरशाद चाहिए मुझे। हाँ मेरे को नहीं मालूम कितने मिनट होगा क्योंकि मैं बहुत देर शांत से बैठा हुआ हूँ और लेट भी हो गया, 9:30 हो गए हैं। तो अर्ज क्या है कि अब ना तेरे आने की खुशी और ना तेरे जाने का गम, गौर फरमाइएगा, ना तेरे आने की खुशी और ना तेरे जाने का गम, अब गुजर गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। मैं का टट्टी या थू, इससे अच्छा तो मेरा वाला था, पीस आउट, बजाओ मैं। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का कोई गम, ना तुझसे मिलने की खुशी ना ही बिछड़ने का कोई गम, जा बहना जा, जा बहना जा, तेरा किस्सा खत्म।